हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल SSRD ब्लॉगर में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ककोड़ा की रेसिपी, जो कि औषधीय गुणों से भरपूर होती है। सब्जी खाने के बहुत सारे फायदे हैं, चलिए बताते हैं इसके फायदे क्या क्या हैं। सबसे पहले फायदों की बात कर लेते हैं, बाद में इसकी रेसिपी शूट करते हैं, ठीक है। तो इसको खाने से, यानी ककोड़ा खाने से आपके बालों का झड़ना, कान दर्द, खांसी, पेट में जो इन्फेक्शन हो जाता है, सिर दर्द, बवासीर, पीलिया, हृदय रोग, कैंसर जैसी अनेक बीमारियों में लाभदायी होता है। और इसके अलावा डायबिटीज और बीपी के जो पेशेंट होते हैं, जिनका लो होता है, हाई होता है बीपी, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फायदा करता है। तो ये सबको खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा फायदा करता है। और इसके अलावा ये खून भी साफ करता है। तो इसके बहुत सारे अनेकों औषधीय गुण हैं जो कि हमें नहीं पता होते हैं। बहुत सारे लोगों को इसके मतलब फायदे के बारे में पता ही नहीं होता कि इसको खाने से क्या फायदा होगा। बहुत सारे बेनिफिट हैं इसको खाने से, खाना चाहिए फ्रेंड्स, हम सबको खाना चाहिए, बहुत ही फायदा करते हैं। और मतलब लोग क्या करते हैं कि देख के बोलेंगे हम नहीं खाएंगे, मतलब सब्जी देखने में नहीं अच्छी लग रही है तो खाने में क्या अच्छी लगे। लेकिन यकीन मानिए, जिस तरीके से मैं आपको बना के दिखाऊंगी, आप केवल एक बार मेरे तरीके से बना के जरूर देखिएगा, ट्राई करिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी, बच्चे भी इसको मन से खाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो ककोड़ा की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये लिए 250 ग्राम ककोड़ा लिए, इनको अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है और कपड़े पे रख के इसको अच्छे से इसका पानी सुखा लिया है। और अब इन ककोड़ा को जो है काट लेंगे अपने मनपसंद शेप में, चाहे तो आप इसको गोल गोल शेप में काट सकते हैं या फिर लंबे लंबे पीसेस में कट कर सकते हैं, जैसे भी आपका मन करे वैसे आप इसको काट लीजिए। लेकिन इसके अंदर जो बीज होते हैं ना, थोड़े से बीज टाइट टाइट होते हैं किसी किसी में, वो निकाल दें, क्योंकि वो दांत के नीचे पड़ते हैं। मतलब बहुत लोगों को पसंद होते हैं, बहुत लोगों को नहीं पसंद होते हैं। तो मुझे नहीं पसंद इसके बीज, तो मैं इसके बीज निकाल के अलग कर दूंगी। जो टाइट वाले बीज होंगे वो निकाल देंगे, जो टाइट वाले बीज नहीं होंगे वो ऐसे ही काट लेंगे ककोड़ा को, ठीक है। तो मैं पूरा प्रोसेस आपको बता रही हूँ। तो देखिए, जो टाइट टाइट बीज थे ना वो मैंने निकाल दिए। तो सारे ककोड़ा को इसी तरीके से काट लेंगे, चाहे तो आप गोल पीस में काट कर लें या फिर लंबे लंबे पीसेस में कट कर लें, जैसे भी आपका मन कर। और देखिए, सारे ककोड़ा को मैंने काट के तैयार कर लिया है। और इसके साथ में मैंने 3 से 4 प्याज डाले हैं। तो इसमें जो ना थोड़ा सा प्याज डाल देंगे तो इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो मैंने 3 से 4 प्याज लिए थे, उनको लंबा लंबा इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया। और प्याज को ज्यादा बारीक भी नहीं काटना है, बस हल्का हल्का से, जैसे लच्छे में हम लोग काटते सलाद वगैरह के लिए वैसे ही काटेंगे। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 चम्मच सरसों के दाने लिए हैं और 1/2 चम्मच जीरा लिया है तड़के के लिए, तड़के में डालेंगे। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च ली थी जिनको बारीक काट लिया है, और 10-15 लहसुन की कलियां थी। उनको लहसुन को हम क्या करेंगे, हल्का सा कूट लेंगे, यानी कि बारीक कर लेंगे, या फिर आप महीन महीन काट भी सकते हैं। तो और एक्चुअली सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा तेल, यानी कि 2-2.5 चम्मच तेल डाल लेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे जो हमने जीरा और सरसों निकाल के रखी थी ना तड़के के लिए, वो डाल देंगे। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें जो हमने लहसुन कूच के रखा है वो डाल देंगे। लहसुन डालने के बाद इसमें हरी मिर्च जो हमने काट के रखी थी वो डाल देंगे। इसके बाद डालेंगे प्याज। प्याज को हल्का सा हमें भून लेना है, बस सॉफ्ट करना है, जलाना नहीं या फिर भूनना नहीं है, बस हल्का सा इसको सॉफ्ट करना है प्याज को। और प्याज को तड़के में अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे थोड़ी सी काश्मीरी मिर्च, ताकि इसमें कलर बहुत अच्छा आए, क्योंकि मैंने लाल मिर्च का यूज नहीं किया ना, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी डाली है काश्मीरी मिर्च। और इसी के साथ में डाल दी है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और प्याज को हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। इसमें डाल देंगे जो हमने कंटोला अपने काट के रखे हैं, यानी कि ककोड़ा, बहुत लोग कंटोला भी बोलते हैं, तो ककोड़ा इसमें जो हमने काट के रखे वो मिक्स कर देंगे। और इसको ककोड़ा मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, जैसा खाते हो ज्यादा या कम। अब इसको क्या करेंगे, प्लेट से ढक देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसको अच्छे से पका लेंगे। 3 से 4 मिनट में अच्छे से ये पक जाएंगे। बीच बीच में इसको 1-2 बार चला के देख लीजिएगा, ताकि हमारे जो है ककोड़ा नीचे से जले नहीं, क्योंकि हमें इसमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसी सब्जी बन जाती है, बहुत टेस्टी बनती है, आप मेरे तरीके से एक बार जरूर ट्राई करना, सबको बहुत पसंद आएगी। तो ये देखिए मैंने चला दिए, एक बार मतलब चला के देख लिया, अभी ये हुए नहीं है, एक बार इसको और ढक देंगे। तो इसके बाद जो है ककोड़ा हमारे बहुत अच्छे से पक जाएंगे। 3 से 4 मिनट लगते हैं, केवल 5 मिनट में सब्जी बनकर रेडी हो जाती है हमारी। और इसके बाद ये देखिए आप क्या करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले, ये हमारे ककोड़ा पक चुके हैं। तो ककोड़ा हमारे अच्छे से पक गए हैं, यानी कि एकदम से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि 1/2 चम्मच भुने जीरे का पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाले का पाउडर और 1/2 चम्मच पिसी हुई धनिया का पाउडर। बस इसके अलावा इसमें कोई मसाला नहीं जाएगा, जो भी मसाले डालने थे बस डल गए। बहुत कम मसालों में सब्जी बनकर रेडी हो जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। आप इसको दाल चावल के साथ खाएं या फिर पराठे के साथ खाएं, पूड़ी के साथ खाएं, जैसे भी मन हो वैसे खाएं। और इसको सारे मसाले डालने के बाद केवल 1 मिनट के लिए और पका लेंगे, बस ये सब्जी हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। और ये देखिए केवल 1 मिनट के बाद मैंने सब्जी खोल के दिखाई, सब्जी हमारी बनकर रेडी हो गई है। और जब हमारी सब्जी एकदम से अच्छे से पक जाएगी, यानी कि सब्जी बन जाएगी, तब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें डाल देंगे खट्टेपन के लिए नींबू। तो मैं नींबू ही डालती हूँ ज्यादातर,
नहीं तो मैं क्या करती हूँ, कभी कभी इमली रखी होती है मेरे पास, तो इमली का पल्प भी यूज करती हूँ मैं। इसमें खटाई नहीं डालती क्योंकि खटाई से वो टेस्ट नहीं आता जो नींबू और इमली के पल्प से आता है। तो हमेशा मैं नींबू या फिर इमली का पल्प ही यूज करती हूँ, जिससे कि सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। आप लोग भी ऐसे ही बनाना जैसे मैंने बनाया है। तो नींबू का रस निचोड़ दिया, तो मैंने 2 नींबू काटे थे और मैंने इसमें डाला था 1.5 नींबू, आधा मैंने हटा दिया था क्योंकि मुझे लगा कि 1.5 नींबू में अच्छा खासा ये खट्टा हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रसीले थे नींबू। और नींबू डालने के बाद क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे, गैस को बंद कर दिया, उसके बाद ही नींबू डालें, क्योंकि मैं कभी नींबू को डाल के पकाती नहीं हूँ किसी चीज़ में। अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए हरा धनिया डाल देंगे। अगर आपके पास हो हरा धनिया तो जरूर डालें, नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप भी कर सकते, कोई जरूरी नहीं है। अभी मेरे पास रखी थी तो मैंने डाल दी, और ये देखिए सब्जी का लुक कुछ इस तरीके से आ रहा, बहुत टेस्टी बनी है। आप चाहें तो इसको दाल चावल के खाएं, पराठे पूड़ी रोटी जैसे भी मन हो वैसे खाएं, बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए सब्जी का लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी और आपकी ये सब्जी कैसी बनी है। जरूर बना के खाइएगा, ठीक है, क्योंकि इसी मौसम में सब्जी मिलती है। और यहाँ पे मैं आपको नींबू दिखा रही थी कि मैंने 2 नींबू काटे थे, लेकिन मैंने 1.5 नींबू का ही यूज किया है, और इतने में ही सब्जी खट्टी हो गई थी। तो चलिए फटाफट मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के, तब तक के लिए ओके बाय बाय।